आज तक हमारे यहाँ एक बड़ी अंधश्रद्धा हम धारण करके बैठे हैं कि ये जो नोट प्रिंट होती है उसके पीछे सरकार के पास कोई सोना होता है, सोना वो सरकार रिजर्व बैंक के पास रखती है और उसकी सिक्योरिटी के इस पे कागज की नोट प्रिंट होती है और वो सर्कुलेशन में आती है। ये तो भारत में 56 में खत्म हो गया, 1956। दुनिया में 71 में डॉलर जब डिस्कनेक्ट हो गया गोल्ड से, आज दुनिया की कौन सी भी करेंसी गोल्ड के साथ कनेक्ट नहीं है। अभी सबसे सीरियस प्रॉब्लम मैं यहां शेयर करने जा रहा हूं, इकोनॉमिक्स और इकोलॉजी का रिलेशन, पर्यावरण और अर्थशास्त्र किस तरह से जुड़े हैं। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ रिसोर्सेस व्हाइल इकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोर्सेस। साइंस ऑफ सोर्सेस इज इकोलॉजी एंड साइंस ऑफ रिसोर्सेस इज इकोनॉमिक्स। सोर्स का मतलब नेचर ने जो पैदा किया वो सभी सोर्स है। नेचर ने जो पैदा किया, पानी पैदा किया, पेड़ पैदा किया, आदमी, जानवर, पशु, पंछी, सब नेचर ने पैदा कर दिए, वो सब सोर्स है, वो इकोलॉजी के पार्ट है। सिर्फ आदमी अपने लाइफ कंफर्ट के लिए, लाइफ स्टाइल के लिए जो चीज परिष्कृत करता है स्रोतों से, अनुसंधान करके प्रक्रिया करते जिसको बनाते हैं उसको संसाधन बोलते हैं, वो रिसोर्स होता है। यानी कोई भी रिसोर्स सोर्स के सिवा बन ही नहीं सकता। हम इंजीनियरिंग लोग वाले हैं जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं, नथिंग कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली यू कैन चेंज द फॉर्म। नेचर में ऐसी कोई चीज नहीं कि जो आप पूरी तरह से नहीं बना सकते हो, और कोई चीज ऐसी नहीं कि आपको पूरी तरह से उसको खत्म कर सकते हो, आदमी के हाथ में नहीं है। हम लाइफ साइकिल के यानी फूड चेन के एक भाग है, पूरा नया संस्करण हम संस्करण कर सकते हैं, पैदा नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते। आज के आदमी के जीवन का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल रिसोर्स है पैसा, और वो कोई भी सोर्स के साथ जुड़ा नहीं है। वो जब सोने से डिस्कनेक्ट हुआ, अभी वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है। भारत का गेहूं अमेरिका में चलता है नहीं चलता है? भारत का कपड़ा अमेरिका में चलता है नहीं चलता है? भारत के जवान बच्चे अमेरिका को चलते हैं नहीं चलते हैं? भारत की 100 रुपए की नोट अमेरिका में चलती है नहीं चलती है? चलती है क्या? क्यों नहीं चलती? क्योंकि यह नोट उसको कॉन्स्टिट्यूशनल ये नहीं देती है। ये कागज का टुकड़ा जिसके ऊपर लिखा है मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, आई प्रॉमिस टू पे बेरर सम ऑफ रुपीज, वो कागज के टुकड़े के पीछे है क्या? आखिर उसके पीछे है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो सरकार ने आरबीआई को दी है, रिजर्व बैंक को, कि इकोनॉमी का बैलेंस रखने के लिए जो भी लिक्विडिटी चाहिए तो आप बनाइए। तो आरबीआई बनाती कैसी है? आरबीआई के अलग अलग खुद के मॉडल्स है कि देश की डेवलपमेंट, अर्थव्यवस्था का विकसन का कितना रेट है। जैसे अभी 7% से हमारी विकसित हो रही है तो 7% मनी सप्लाई बढ़ाइए। इन्फ्लेशन महंगाई के रेट क्या है उसको कंसिडर करके आप और फिर पैसे को कंट्रोल कीजिए। मैथमेटिकल मॉडल से ये बनती है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं होता। जब ये 8 तारीख को डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो हमारे देश में जो 1000 रुपए की नोट बनती थी तब उसकी जो कीमत थी वो 3 रुपया प्लस माइनस में बनती थी। वो कागज का टुकड़े की जो इंट्रेंसिक वैल्यू है वो 3 रुपया और एंडोर्स वैल्यू 1000 रुपया। इतनी बड़ी फैलसी आदमी के लाइफ में कभी नहीं आई थी। 71 में जब अमेरिका ने गोल्ड के साथ डिस्कनेक्ट किया तो अभी इकोलॉजी और इकोनॉमिक्स पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हुआ है। पहले सोने में से पैसा बनता था, अभी पैसे में से सोना बनता है।